But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू देजी मेडी न्यूज। तो गाइस, आज एक्स मैन से रिलेटेड काफी दिनों के बाद एक अपडेट आया है, काफी कमाल का। आप सभी जानते हो कि डिज्नी और फॉक्स और कॉमकास्ट की डीलिंग के बीच में बहस चल रही है कि कौन किसके पास जाएगा, और देन उम्मीद लग रही है कि डिज्नी के पास ये कैरेक्टर वापस आ सकते हैं, फैंटास्टिक फोर और एक्स मैन। तो देखते हैं क्या होगा, जब तक पूरी कन्फर्म डील नहीं हो जाती है, जब तक पैसा ट्रांसफर नहीं हो जाता है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। बट अभी हाल ही में एक्स मैन के डायरेक्टर सिमन ने अभी एक अपडेट दिया है काफी कमाल का। उन्होंने बोला है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बादल नीचे आ जाए या जमीन ऊपर चली जाए, बट मैं इस मूवी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और देन एक्स मैन की सारी सीरीज को मैं आर रेटेड रखना चाहूंगा, और देन जितनी भी सोलो मूवी है, और एक कहनी है एक टीम अप मूवी है, जैसे कि एक्स मैन और सोलो मूवी में उनका नाम लिया डेडपूल और लोगन, तो इन तीनों को वो कंटिन्यूस रखना चाहते हैं। जी हाँ, वो लोगन की सीरीज को भी कंटिन्यूस रखना चाहते हैं, डेडपूल की मूवी को भी कंटिन्यूस रखना चाहते हैं, और एक्समैन की सीरीज को भी कंटिन्यूस रखना चाहते हैं। तो ये बात कहती काफी फैंस खुश हो गए कि हाँ, शायद एक डायरेक्टर है जो फैंस के बारे में सोचता है कि अगर डिज्नी के पास ये कैरेक्टर चले जाते तो रिबूट ना हो। तो फाइनली डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि भले डिज्नी के पास ये कैरेक्टर जाए या ना जाए, मुझे काम इन्हीं मूवीज पे करना है और इनकी सीरीज को कंटिन्यूस रखना है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पर X23 के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।